जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। इस मंदिर के उद्घाटन में देश के बड़े बड़े मशहूर व्यक्ति आएंगे। जब से लोगों को जानकारी मिली है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है, उसके बाद से ही लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए घर से निकल पड़े हैं। इनमें से कुछ लोगों ने अपने आराध्य के मंदिर के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी उपहार स्वरूप दी हैं। इन्हीं सब उपहारों में से एक उपहार है 600 किलो देसी घी। इस देसी घी में ऐसा क्या खास है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर में होने वाली आरती के लिए जो 600 किलो देसी घी आया है, उसमें ऐसा क्या खास है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर के लिए भगवान श्री राम के भक्तों ने अनेकों वस्तुएं सप्रेम भेंट की हैं। यह वस्तुएं लोगों ने अपनी खुशी और क्षमता के अनुसार उपहार में दी है, ताकि इनके उपहारों से राम मंदिर की चमक में और निखार आ जाए। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अनिल साहू नाम के एक व्यक्ति ने भगवान श्री राम के मंदिर के लिए 9 देशों का समय एक साथ बताने वाली एक अनोखी घड़ी उपहार स्वरूप दी है। उसी तरह अन्य लोगों ने भी अपने आराध्य के लिए अनेकों उपहार भेजे हैं। इन उपहारों में गौ माता का देसी घी भी शामिल है, जो राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित श्री श्री महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला से भेजा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में श्री श्री महर्षि संदीपनी रामधर्म गौशाला स्थित है, जिनके संचालक संदीपनी महाराज हैं। उन्होंने अपनी गौशाला में निर्मित 600 किलो देसी घी अयोध्या में बने राम मंदिर के लिए उपहार के रूप में भेजा है। इस देसी घी को पिछले 9 सालों से एकत्रित किया जा रहा था और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी मिली तो इसे अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। महर्षि संदीपनी का कहना है कि उनका संकल्प था, जब भी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो वह शुद्ध देसी घी गौ माता के दूध से निर्मित राम मंदिर को भेंट करेंगे, और आज उनकी यह इच्छा पूरी हो गई है। इस गौशाला के पीछे की कहानी बताते हुए महर्षि संदीपनी ने कहा कि साल 2014 में अयोध्या में ट्रक को पकड़ा गया था, जिसमें गौ माता को भरकर ले जाया जा रहा था। उस ट्रक में 60 गौ माता थी। ट्रक के पकड़े जाने के बाद उन सभी गौ माता को गौशाला भेज दिया गया, लेकिन वहां पर खाली स्थान न होने के कारण इन सभी 60 गौ माताओं को रखने से मना कर दिया। इसकी जानकारी जब हम लोगों को लगी तो हमने स्वयं ही इनकी देखरेख करने की सोची और इस गौशाला की शुरुआत की। जैसे कि उस समय राम मंदिर का केस कोर्ट में चल रहा था, तो उन्होंने यह संकल्प लिया कि जिस दिन भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा, वहां की आरती और हवन के लिए घी इसी गौशाला से जाएगा। महर्षि संदीपनी के ऊपर भगवान की कृपा हुई और उन्होंने राम मंदिर के लिए 600 किलो शुद्ध देसी घी भेंट स्वरूप दिया। इसी घी को 108 कलशों में रखकर प्राचीन परंपरा के अनुसार रथों में रखकर लाया गया है। जैसा कि इस समय रथों का चलन नहीं है, इसलिए बैलगाड़ी को रथों के रूप में सजाकर उपयोग किया गया है। इस घी को सोमवार को देव दीपावली के दिन भेजा गया था। इस घी का उपयोग राम मंदिर में जलने वाली ज्योत और होने वाले हवन में किया जाएगा। इस घी को रथों में लाने के दौरान महर्षि संदीपनी भी साथ में यात्रा कर रहे थे।
ये सभी रथ कई शहरों में शोभा यात्रा करते हुए अयोध्या एक महीने के समय के उपरांत पहुंचे। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब भगवान श्री राम अपने इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस दिन पूरे देश में उत्सव का वातावरण होगा। इस देसी घी के अलावा भगवान श्री राम के मंदिर के लिए और भी अनेक वस्तुएं उपहार स्वरूप आई हैं, जिनका वर्णन हम आपको किसी और वीडियो में करेंगे। अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के लिए आप कितने उत्सुक हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।